मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं खड़ी हूँ हमारे कॉलेज की छत पर, क्योंकि मैंने सोचा कि उस एक मोमेंट के पहले मैं कुछ 5 मिनट का रिकॉर्ड कर लूँ। तो यस, आज है 23 अगस्त एंड एज वी ऑल नो, हम सभी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट डे होने वाला है। इनफैक्ट हमारी इंडिया की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला है। क्योंकि आज इसरो फाइनली चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई करने वाला है मून के साउथ पोल पर। एंड एज वी ऑल नो, अगर ये हमने कर दिया ना तो हम इंडिया जो होगी, इंडिया फर्स्ट कंट्री होगी जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड, उनका मिशन सक्सेसफुल रहेगा। लेट्स होप कि सब कुछ एकदम ठीक रहे और सब कुछ एकदम अच्छा रहे। वैसे तो होगा ही, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी है। एज वी ऑल नो, चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रयान 2 का सक्सेसर है, और चंद्रयान 2 कुछ स्मॉल ग्लिचेस के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बट येस, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज का हमारा जो मिशन है वो एकदम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इसकी सक्सेस से ही हमारे जो आगे के मिशन्स हैं, मैंने पढ़ा था गगनयान और एक और था जो कि सन रिलेटेड है, गगनयान जो कि जिसमें हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिलेटेड मिशन है। तो अगर हमारा ये मून वाला मिशन सक्सेसफुल होता है तो हमारे वो मिशन्स में भी काफ़ी हेल्प होगी। तो येस, होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज ने हमारे लिए सब लोग साथ में ये जो एक स्पेशल मोमेंट है इसका इसको इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए उन्होंने नीचे जो हमारा जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर प्रोजेक्टर्स एंड ऑल लगाए हैं, ताकि हम सभी साथ में इस मोमेंट को देख सके और प्राउड फील कर सके। तो यस, अभी हम चलते हैं नीचे एंड एक्सपीरियंस करते हैं। गाइस, तो मैं सेमिनार हॉल में आ गई हूँ। वो रहा हमारा प्रोजेक्टर और हमारे ADP सर, प्रोफेसर्स और सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स असेंबल हो चुके हैं, और ये रहे मेरे अनमोल रतन फ्रेंड्स। एज पर द अनाउंसमेंट्स, हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो मून के सरफेस के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है और मून के सरफेस पे लैंड करने के लिए एकदम रेडी है। एंड येस गाइज, ये रही हमारी इसरो की टीम जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है और जिनकी मेहनत के वजह से ही हम लोग आज इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मोदी जी भी कनेक्ट हुए हैं एंड आई थिंक वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में है ब्रिक्स समिट मीटिंग के लिए। बट इट्स नाइस टू सी हिम कि वो हमारे इसरो की टीम का प्रोत्साहन, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कनेक्ट हुए है, और वो भी इक्वली एक्साइटेड दिख रहे हैं इस मिशन के सक्सेस को लेकर। आई फील कि इस वक्त सभी इंडियंस की हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई होगी और पूरा देश एक साथ प्रेयर कर रहा होगा इस मिशन की सक्सेस के लिए। और नॉट ओनली इंडियंस, आई थिंक कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त इस मिशन के ऊपर आंखें गड़ाए बैठा है कि क्या रिजल्ट्स होंगे। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत ही कम समय बचा है अब। Yes, we got it guys, congratulations। तो ये थी एकदम तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है इसरो में भी और यहाँ हमारे इस हॉल में भी, और आई फील कि पूरे देश में अभी तालियों की आवाज़ से एकदम हमारा देश एकदम गूंज उठा होगा। तो yes, hats off to you इसरो एंड थैंक यू कि आपने हमें इतना अच्छा मोमेंट दिया। इन छोटे बच्चों को देखो गाइस, आई एम नॉट श्योर कि इन्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, बट फिर भी ये लोग कितने कामली सब कुछ देख रहे हैं। आई थिंक ये लोग परफेक्ट एग्जांपल है कि इस चीज़ का, कि हर एक इंडियन ने इस हिस्टोरिकल इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और ये हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। कूडोज टू यू सर, कंग्रेचुलेशन गाइस। तो यस, फाइनली हमारे चंद्रयान 3 ने कर ली है अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग मून के सरफेस पर, और इसी के साथ हम बनते हैं दुनिया की फर्स्ट कंट्री जो कि मून के साउथ पोल पर अपना एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन अचीव कर पाई है। तो यस, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड उसके लिए हम मैं थैंक करना चाहूँगी इसरो को, जिन्होंने हमको इतना प्राउड मोमेंट दिया। एंड येस, हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क गाइज, जो कि फाइनली पे ऑफ हुआ है।
सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन कीप सपोर्टिंग.